सो दोस्तों, वेलकम बैक टू RSR फाइनेंस। सो दोस्तों, क्या आप लोग भी फ्लिपकार्ट पे लेटर यूज़ करते हो? अगर यूज़ करते हो तो आपको लिमिट कैसे बढ़ानी है, और मेरी लिमिट पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है, सब कुछ जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मैं पहले आपको फ्लिपकार्ट पे जो है डायरेक्टली ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, पहले मेरी लिमिट थी 500 रुपये, ठीक है। अब जो है इन्होंने मेरी लिमिट बढ़ा दी है, अब इन्होंने 3000 रुपये की लिमिट कर दी है। अब देख सकते हो, जो ये पे लेटर की लिमिट है वो 3000 रुपये की है, और पहले मेरी थी 500 रुपये की जब मैंने शुरू में अप्लाई किया। जैसा कि आप लोग जानते हो, जब मैंने वीडियो बनाई थी तब मेरी 500 रुपये की लिमिट थी, अब इन्होंने 2500 रुपये और दे दिए हैं। अब ये लिमिट कैसे बढ़ी है, और आप लोग भी लिमिट कैसे बढ़ा सकते हो अपनी, पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ व्यू यूज पे, ठीक है। यहाँ कुछ भी है यूज नहीं किया अभी मैंने, और यहाँ पेमेंट ट्रांजेक्शन पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने बहुत सारी जो है शॉपिंग की थी। अब मैं आपको बताता हूँ आपको लिमिट कैसे बढ़ेगी और आप अपनी लिमिट कैसे बढ़ा सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आप फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हो तो भैया उसमें जो है आप पे लेटर का यूज़ करा करो, ये नहीं कि आप कार्ड से पेमेंट किया करो या कैश ऑन डिलीवरी और ऑप्शन चॉइस किया करो, भाई आप पे लेटर का ही डायरेक्टली जो है यूज़ किया करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार लॉगिन आउट करके, ठीक है। यहाँ शॉप पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे एक ये ख़रीदना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मान लीजिए ये 167 रुपये का है, अब मुझे ये बाई करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पेमेंट डिटेल्स में आ गया हम, तो यहाँ लिखा हुआ है फ्लिपकार्ट पे लेटर। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे 5 जनवरी को जो है बिल जनरेट होता है आपका, 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं जाता, जितने जितने रुपए का आप जो है यूज़ करोगे उतने ही रुपए आपको पे करने होते हैं। इसमें एक टाइम ये अच्छा है कि 1 महीने का टाइम मिल जाता है हमें पेमेंट करने का। प्लस ये है दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप पे लेटर का बार बार ही यूज़ करते हो तो आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि मेरी लिमिट जो है यहाँ पर आपको दिखा दूँ, पहले 500 थी और अब जाके जो है इन्होंने 3000 कर दी है। ज़्यादा दिन नहीं हुए मुझे यूज़ करे हुए, 2 महीने ही हुए हैं, और 2 महीने से मैं इसको यूज़ कर रहा था, और जैसे ही मैंने देखा तो मेरे पास मैसेज आया कि आपकी लिमिट जो है वो इंक्रीज हो गई है। और ये प्रोवाइड किया है IDFC बैंक फर्स्ट ने। तो दोस्तों, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो पे लेटर का, अच्छी है एप्लीकेशन, ज़्यादा कुछ नहीं करना, पे लेटर का ही यूज़ करना है, लिमिट इंक्रेस हो जाएगी आपकी। जब भी कुछ मंगाओ तो पे लेटर से ही मंगाओ, और 2-3 बार मंगाओ, उसके बाद जो आपकी लिमिट जितनी भी होगी, चाहे 5000 की हो या 10000 की, वो लिमिट डबल से ट्रिपल कर दी देंगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।